ओम शांति। हम अपने मन को शुद्ध संकल्प से कैसे भरें, क्योंकि शुद्ध संकल्प भरने से जीवन अच्छा बनता है, लेकिन जैसी परिस्थिति होती है, हमारी आसपास के वातावरण हमें नेगेटिव सोचने की मजबूर कर देती है। क्योंकि संसार में देह में हम हैं आत्माएं, लेकिन परमात्मा हमें जो कहते हैं और जिस प्रकार योगी जीवन को हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि नई दुनिया आ रही है, तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा शुद्ध संकल्प से और श्रेष्ठ व्यवहार। तो उसके लिए सोने से पहले कुछ बातें, 5 बातें हमें ध्यान रखना जरूरी है। हम अपने जीवन में सबसे पहले जो मिला है, जो खुशियां मिली है, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करें। दूसरी बात कि इस जीवन में, संगम युग में, जब भगवान का परिचय मिल गया, स्वयं का परिचय मिल गया, तो इससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं हो सकता है। तो अपने आप को संसार में सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझें। उसके लिए तीसरी बात है, हम जो भी कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, या अभी जो बात हम सुन रहे हैं, या हमें जो प्रैक्टिकल में करना है, हमारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, मुस्कुराहट वाली चेहरा निरंतर होनी चाहिए। तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे संस्कार बदलेंगे। जिस प्रकार की कोई चीज को आग में हम डालते हैं, उसको परिवर्तन करने के लिए आग तेज करनी पड़ती है। अगर धीमी धीमी आग करेंगे तो इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होगा, लंबा समय लगेगा। तो इसलिए हमारी मुस्कुराहट वो आग है संस्कार परिवर्तन करने के लिए, जो शुद्ध वातावरण बना देता है। चौथी बात, सदा स्वयं को देखें, दूसरों को ना देखें, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ क्या है। तो ये चौथी बात अगर हम ध्यान रखते हैं, तो हमें दूसरों की जो बातें परेशानी करते हैं, रात को सोने से पहले उनकी बातें जो बुद्धि में आती है, वो नहीं आएगी। और पांचवी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि सोने से पहले परमात्मा को अपने साथ का एहसास करें कि स्वयं भगवान मेरे साथ है। ये 5 बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो सोच लीजिए जीवन श्रेष्ठ योगी जीवन महान बन जाएगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहली बात हमने कही है कि परमात्मा का शुक्रगुजार करें, धन्यवाद करें, क्योंकि सृष्टि रंगमंच पर अनेक आत्माएं हैं, तड़पती हुई, भटकती हुई, बहुत अच्छी तरह पालना पाने वाले भी बहुत आत्माएं हैं, सुख में रहने वाली भी आत्माएं हैं, लेकिन मेरा जीवन परमात्मा ने जो मुझे दिया है उस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं। एक बात मुझे याद आ रही है, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहे थे, सभी बच्चों को पेपर दिया और उस सफेद पेपर में एक डॉट, एक बिंदु लगा दी और सभी को कहा, सभी बच्चों को, कि इस पेपर में जो है इसके ऊपर विश्लेषण करना है, चिंतन करके लिख के लाना है। तो सभी स्टूडेंट का मन में एक ही प्रश्न था कि मास्टर जी, इसमें कुछ है ही नहीं, क्या चिंतन करें हम। तो मास्टर जी ने कहा, जो भी है यही है और इसके बारे में चिंतन करना है। तो सभी बच्चों ने 1 घंटे तक सोचा, सोचने की बात, और लिख के भी लाए। उसमें जो बिंदु था उसके ऊपर विश्लेषण किया कि ये बिंदु बीच में लगा हुआ है, ये बिंदु एक ही है, हर बच्चों का बिंदु के ऊपर केंद्रित था। तो मास्टर जी के पास लेके आए, मास्टर जी ने देखा और देख के सभी बच्चों को कहा कि तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो, एग्जाम में सफलता पाना चाहते हो, जीवन में अच्छा करना चाहते हो, जीवन में खुश रहना चाहते हो, संतुष्ट रहना चाहते हो, तो सबसे पहले जिस प्रकार ये बिंदु पर आपने ध्यान दिया, पूरे पेज पर, पूरे पेपर का, इतना बड़ा पेपर है, उस पर ध्यान नहीं दिया, पूरा सफेद नहीं दिखाई दिया आपको, वो बिंदु दिखाई दिया। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन में समस्याएं
छोटी छोटी बातों में हम ध्यान देते हैं। इस सृष्टि रंग मंच पर भगवान कुदरत ने करिश्मा एक चमत्कार किया है हमारे जीवन में कि सबसे श्रेष्ठ प्राणी उत्तम मनुष्य जीवन दिया है, उसको हम नहीं देखते हैं और छोटी छोटी बातों में समय गंवा देते हैं। तो इसलिए अपने भाग्य के बारे में, भगवान से ज्ञान मिला उसके बारे में ये चिंतन करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ उत्तम बन जाएगा। तो बच्चों ने समझा, उसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धि को विकास किया। तो परमात्मा भी हमें यही कहते हैं कि अपने जीवन को श्रेष्ठ महान बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें। बहुत बड़ी जो प्राप्ति हुई है मनुष्य जीवन, संगमिक पर स्वयं भगवान मिले हैं, कितना श्रेष्ठ भाग्य है। इसके लिए, इन सांसों के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए जो भी मिला है उसके लिए बार बार तहे दिल से सोने से पहले सुबह उठते ही शुक्रगुजार करें परमात्मा का। धन्यवाद मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे गॉड, दिल से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ऐसा श्रेष्ठ जीवन दिया। फिर देखिए आपके जीवन में कदम कदम पर आपको सफलताएं मिलेगी। बस मुस्कुराते रहें, परमात्मा का धन्यवाद करते रहें, इस प्रकृति का धन्यवाद करते रहें, इन साधनों का धन्यवाद करते रहें। तो धन्यवाद के साथ तो जीवन को धन्य बनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।